बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। साइंस ग्रेड 6 का चैप्टर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे जाने से पहले ये देखते हैं कि ये चैप्टर हमें बताना क्या चाह रहा है। इस पूरे चैप्टर में हम किन बातों का अहाता करेंगे और किन बातों को, किन SLOs को, किन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टेप बाय स्टेप मरहलावार तश्कील। हम देखते हैं और ग्रेड 5 तक हम पढ़ भी चुके हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने हैं। सेल्स वो बेसिक यूनिट है जो एक मुकम्मल इंडिविजुअल, हाँ वो प्लांट हो, हाँ वो एनिमल हो, हाँ वो जानवर हो, इनकी तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि एक ही जैसे प्लांट के सेल, ये सेल्स जो कि लीफ के सेल्स हैं, जब सेल्स कोलैबोरेशन से काम करते हैं एक ही जैसे सेल्स तो टिश्यूज़ बनाते हैं। इसी तरह जब एक ही जैसे टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। लीफ प्लांट का एक ऑर्गन है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पे ये ऑर्गन सिस्टम शूट सिस्टम है जिसमें लीव्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। ये तमाम ऑर्गन्स प्लांट के जब मिलकर काम करते हैं तो एक मुकम्मल प्लांट तश्कील पाता है। इसी तरह एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी जब एक जैसे सेल्स मिलकर काम करते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्टमक के सेल्स हैं, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के ये सेल्स हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। जब ये तमाम सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे और कोलैबोरेशन शो करेंगे तो टिश्यूज़ बनाएंगे। ये टिश्यूज़ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जिसके बारे में आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। जब टिश्यूज़ एक जैसे टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन का एक ऑर्गन्स है, एक ऑर्गन है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, लिवर, एसोफिगस, माउथ, नोज, स्टमक, ये तमाम ऑर्गन्स डिफरेंट हैं। लेकिन जब ये कोलैबोरेशन से काम करते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह जब दीगर ऑर्गन सिस्टम्स जैसा कि हमारा नर्वस सिस्टम जो चीज़ों को सेंस कर सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में खून की सर्कुलेशन होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके ज़रिए से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, जब ये मुकम्मल कोलैबोरेशन और हारमोनी से काम करेंगे तो एक मुकम्मल इंडिविजुअल जैसा कि ह्यूमन बीइंग, जैसा कि आप, मैं, इसी और दीगर तमाम ह्यूमंस तश्कील पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कि सेल्स से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का बनना सेलुलर हायरार्की कहलाता है। और इस चैप्टर वन में हम इस तमाम प्रोसेस को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे भी कि प्लांट में कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनके ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, इसी तरह एनिमल्स में और ह्यूमंस में कौन कौन से टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि कौन से SLOs हमें मदद देते हैं इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए। ये वो तमाम SLOs हैं जिनके ज़रिए से हम सेलुलर हायरार्की को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज जिस लेक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जिस SLO को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप तो दूसरा SLO है, फर्स्ट SLO जो कि सेल के बारे में है, हम उसे क्यों नहीं पढ़ रहे। तो इसकी रीज़न बहुत ही सादा है कि सेल्स और टिश्यूज़ क्योंकि बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं,
इतने छोटे स्ट्रक्चर्स हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, और अगर देख भी सकते हैं जैसा कि टिश्यूज को देख भी सकते हैं तो, लेकिन ये इतने क्लियर नहीं होते, इतने वाजे नहीं होते कि इनकी इन डेप्थ स्टडी की जाए। तो इसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है जो इनको एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके दिखाए, और वो डिवाइस माइक्रोस्कोप है। लिहाजा हम सेल्स को, टिश्यूज को और दीगर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने से पहले माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है। माइक्रोस्कोप, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक माइक्रो और दूसरा स्कोप। माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसे नेकेड आई से ना देखा जा सके, और अगर देखा भी जा सके तो क्लियरली या डिटेल में उसको स्टडी ना किया जा सके। और स्कोप का मतलब है देखना। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके हमें दिखाती है। ये वो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं जो आपकी किताब में भी है और आपके स्कूल की लेबॉरेटरी में भी हो सकती है। माइक्रोस्कोप का पर्पस समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं, मिसाल की मदद लेते हैं। ब्लड जो ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी पाया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इस ब्लड को, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से दूसरे पार्टिकल्स, बहुत से दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाटर और दीगर अज्जा। तो माइक्रोस्कोप, आपने देखा कि माइक्रोस्कोप ने हमें बताया कि ब्लड सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप सिर्फ एक ही किस्म की नहीं होती। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, साइंटिफिक इन्वेंशंस में डेवलपमेंट आती चली गई है, इसी तरह माइक्रोस्कोप के मॉडल्स में भी और उसके फंक्शंस में भी बेहतरी आती चली गई है। मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप ए है। माइक्रोस्कोप ए वो माइक्रोस्कोप है जिसे आप अपने स्कूल की लेबॉरेटरीज में भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी तरफ माइक्रोस्कोप बी है, ये वो माइक्रोस्कोप है जिसे आप किताबों में देखेंगे, और हो सकता है कि आप कुछ स्कूल की लेबॉरेटरीज में भी ये पाई जाती हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क इनके लाइट सोर्स का है। माइक्रोस्कोप ए में मिरर माउंटेड है, मिरर लगा हुआ है। ये मिरर एनवायरनमेंट से लाइट रिसीव करेगा। एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली कोई भी लाइट हो सकती है, जैसा कि सनलाइट, आर्टिफिशियल लैम्प्स जैसा कि LED, एनर्जी सेवर्स, कोई भी लाइट सोर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, मिरर वहाँ से लाइट रिसीव करेगा और इसको यहाँ पे रखे हुए सैंपल की तरफ प्रोजेक्ट करेगा या उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा, थ्रो करेगा। लेकिन माइक्रोस्कोप बी में मिरर नहीं है, बल्कि इनबिल्ट लाइट सोर्स है किसी बल्ब की सूरत में। यहाँ से बल्ब को ऑन किया जाएगा, लाइट डायरेक्टली सैंपल पे थ्रो की जाएगी। सिर्फ यही बुनियादी फ़र्क है इन दोनों माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा इनकी फंक्शंस में, इनके पार्ट्स में, इनकी वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज के इस लेक्चर के लिए जिस माइक्रोस्कोप को हम एज अ सैम्पल यूज़ करेंगे वो माइक्रोस्कोप ए है। इसकी वजह यह है कि ये अमूमी तौर पर अवेलेबल है, स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इसे ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और इस पर काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हम याद रखिए कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इन दोनों तरह के माइक्रोस्कोप में कोई भी फ़र्क है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इनके लाइट सोर्स का। तो अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के, एक एक करके माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप का सबसे पहला हिस्सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आईपीस, ऑक्यूलर लेंस। आईपीस वो हिस्सा है जो हमारी आँख के सबसे करीब होता है। ऑक्यूलर के ज़रिए, इसी आईपीस के ज़रिए से हम अपने सैंपल को या स्पेसिमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एक वर्ड लिखा हुआ है 10x का। इसका क्या मतलब है? 10x का मतलब ये है कि ये ऑक्यूलर यानी आईपीस स्पेसिमेंट को 10 टाइम्स लार्ज करके दिखाता है। 10x मीन्स 10 टाइम्स लार्जर इमेज।
कुछ माइक्रोस्कोप्स में इसकी ओक्यूलर की पावर 10x होती है और कुछ माइक्रोस्कोप्स में ओक्यूलर की पावर 5x होती है। 5x में आप देख सकते हैं कि 5x पावर के साथ कि इमेज इस हद तक क्लैरिफाई है, जबकि उसी इमेज को जब हम 10x की पावर के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो ये ज़्यादा क्लैरिफाई और ज़्यादा एनलार्ज हमें दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप का दूसरा पार्ट है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब का क्या काम है? बॉडी ट्यूब आईपीस को कनेक्ट करती है नीचे वाले पार्ट्स के साथ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बॉडी ट्यूब एक्चुअली एक कनेक्शन है आईपीस का माइक्रोस्कोप के बाकी तमाम हिस्सों के साथ। इसके साथ साथ बॉडी ट्यूब को मूव भी किया जा सकता है अपनी मर्जी की रेजोल्यूशन लेने के लिए या अपनी मर्जी का इमेज, अपनी मर्जी का फोकस हासिल करने के लिए। माइक्रोस्कोप का नेक्स्ट पार्ट है आर्म। अब आर्म क्या है? आर्म मेटल का एक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी ट्यूब को और उसके दीगर पार्ट्स को। ये वो जगह है जिस जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। इस जगह से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का नेक्स्ट बहुत अहम पार्ट है रिवॉल्विंग नोज पीस। ये बॉडी ट्यूब थी। बॉडी ट्यूब के बिल्कुल साथ ही रिवॉल्विंग नोज पीस अटैच होते हैं। अब रिवॉल्विंग नोज पीस, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, क्या करते हैं कि ये रिवॉल्व हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। रोटेट होके ये अपने साथ लगे हुए लेंजेस को मूव करवा सकते हैं और यही इनका पर्पस है। नोज पीस को रोटेट करके अपनी मर्जी का लेंस यूज किया जा सकता है, अपनी मर्जी का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया जा सके। नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस किसी भी माइक्रोस्कोप में 3 से 4 हो सकते हैं। कुछ मॉडल्स में ये 3 होते हैं और कुछ मॉडल्स में 4 होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंजेज हैं जिनके ज़रिए से हम अपने स्पेसिमेन को देख सकते हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस, तीनों की पावर्स मुख्तलिफ होती हैं। कुछ हाई पावर में होते हैं, कुछ लो पावर में होते हैं और कुछ मीडियम पावर में होते हैं। हम अपने टारगेट के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करके अपनी मर्जी के मैग्नीफिकेशन से इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस हैं और हर ऑब्जेक्टिव लेंस का एक ख़ास कलर स्ट्रिप है। ये कलर स्ट्रिप्स इनकी पावर को डिनोट करती है। रेड कलर डिनोट करता है लो पावर के लिए। सबसे कम पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस रेड कलर से शो किया जाता है और इसकी पावर होती है 4x, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद मीडियम पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे येलो स्ट्रिप से शो किया जाता है। मीडियम पावर जो कि 10x होती है येलो कलर से के ऑब्जेक्टिव लेंस से शो किया जाता है, और ये यूनिवर्सल कलर्स हैं। दुनिया भर में जितनी भी माइक्रोस्कोप्स हैं उनके तमाम ऑब्जेक्टिव लेंस के कलर्स यही होंगे। रेड कलर हमेशा लो पावर के लिए होगा, येलो कलर हमेशा मीडियम पावर के लिए होगा और ये ग्रे कलर हाई पावर के लिए होगा, जो कि 40x है। अब 40x, 10x और 4x, ये आप इसका क्या मतलब है? 40x का मतलब है कि आपका इमेज 4 टाइम्स लार्जर हो चुका है। 10x से जब हम देखते हैं, 10x को ऑब्जेक्टिव लेंस से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा इमेज 10 टाइम्स लार्जर है। और जब हम 40x के ऑब्जेक्टिव लेंस यानी ग्रे लेंस से स्टडी करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारा लेंस 40 टाइम्स लार्जर है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेड कलर यानी लो पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे छोटे साइज का है, इसके बाद मीडियम साइज का यानी येलो मीडियम पावर के लिए, और जो सबसे लार्जर ऑब्जेक्टिव लेंस है ये हाई पावर के लिए है। इनके ऊपर इनकी मैग्निफिकेशन भी शो की गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ जो इमेज हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ वही नहीं होता, उसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ वही नहीं होती जो इनके ऊपर लिखी हुई है, बल्कि इनकी ये पावर ओक्यूलर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है।
हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्यूलर यानी आई पीस की मैग्निफिकेशन पावर 10x थी, ऑक्यूलर 10x की पावर थी। अब यही पावर मल्टीप्लाई होगी 4x के साथ, 10x के साथ और 40x के साथ, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारी मैग्निफिकेशन इमेज इतने गुना ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि लो पावर इमेज लो पावर से जब हम देखते हैं जिसकी अपनी पावर 4x है, ये मल्टीप्लाई होगी 10x ऑक्यूलर की पावर के साथ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 40x। मतलब कि जब हम लो रेजोल्यूशन पावर के साथ इमेज देखते हैं तो हमारा इमेज 40 टाइम्स एनलार्ज हो चुका होता है। इसी तरह जब हम मीडियम से देखते हैं, मीडियम पावर लेंस के साथ देखते हैं, तो जिसकी अपनी पावर 10x है, तो ये 10x ऑक्यूलर के 10x के साथ मल्टीप्लाई होके हमें 100 टाइम्स लार्जर इमेज देता है। इसी तरह हाई पावर जिसकी पावर 40x है, ये ऑक्यूलर की 10x पावर के साथ मल्टीप्लाई होके हमें 400 टाइम्स लार्जर इमेज देता है, जो कि वेरी वेरी हाई मैग्निफिकेशन है। अगला देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट माइक्रोस्कोप का कौन सा है, और वो है स्टेज। स्टेज जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्टेज का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जो एक प्लेटफॉर्म है, स्टेज मतलब एक प्लेटफॉर्म। स्टेज एक वो जगह है जहाँ पे हम अपनी स्लाइड्स को, स्पेसिमेन को माउंट करते हैं, यानी वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। स्टेज के ऊपर दो क्लिप्स होते हैं जिन्हें स्टेज क्लिप्स कहा जाता है। ये स्टेज क्लिप्स स्लाइड को होल्ड करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, होल्ड द स्लाइड, ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स रहे और मूव ना कर सकें। ऐसा करना, स्लाइड को अपनी जगह पे फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा सैंपल अपनी जगह से हिल ना सके और उसका फोकस बेहतरीन हो सके। जब स्लाइड अपनी जगह से मूव करेगी तो वो फोकस नहीं हो सकेगी और हम उसको क्लियरली देख नहीं सकेंगे। ये स्टेज और स्टेज क्लिप्स दोनों के दोनों मूवेबल हैं। हम स्टेज को भी स्क्रूज़ के ज़रिए से एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और स्टेज क्लिप्स को भी चारों तरफ मूव कर सकते हैं ताकि हमारी स्लाइड्स अपनी जगह पे फिक्स रह सकें। माइक्रोस्कोप का अगला हिस्सा है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, ये स्टेज के नीचे लगा होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टेज है, तो कंडेंसर स्टेज के नीचे है, स्टेज के नीचे कंडेंसर लगा होता है। और कंडेंसर क्या करता है कि ये मिरर से आने वाली लाइट को फोकस करता है, उसे एक यूनिफाइड बीम की सूरत में थ्रो करता है सैंपल की तरफ। यहाँ से जो लाइट आ रही है, मिरर पे जो लाइट आ रही है, वो मल्टी डायरेक्शनल है, यानी वो इस साइड में भी जा सकती है, वो इस साइड में भी जा सकती है, वो इस साइड में भी, इस साइड में भी। ये सारी लाइट जब कंडेंसर के पास पहुँचती है तो कंडेंसर उसे एक ही डायरेक्शन में करके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देता है। अगर कंडेंसर लेंस ना हो तो हम कभी भी अपने इमेज को क्लियरली ना देख सकें। कंडेंसर के ऊपर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर के ऊपर डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक खिड़की की सूरत में, एक विंडो की सूरत होती है, जो कि बंद, इस नोश के ज़रिए बंद या खुला खोला जा सकता है। और डायफ्राम का काम क्या है कि कंडेंसर से आने वाली यूनिफाइड लाइट बीम को अपनी मर्जी के ज़रिए से, अपनी मर्जी से अंदर आने दे या उसे रोक दे। ये डिसाइड करता है कि लाइट की कितनी अमाउंट ने सैंपल की तरफ मूव करना है और कितनी अमाउंट को रिजेक्ट करना है। डायफ्राम भी हेल्प करता है एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट को सैंपल की तरफ जाने में। नेक्स्ट कम्स द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स, या इसे कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज भी कहा जाता है। आपकी किताब में स्क्रूज का वर्ड लिखा हुआ है तो आप नॉब की जगह स्क्रूज यूज कर सकते हैं। अब कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का क्या मतलब है कि आप
इसको रिवॉल्व करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन मूव करेंगे। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब असल में मदद करता है हमें स्टेज को ऊपर या नीचे मूव करने में, ताकि हम अपने सैंपल को जो कि इस स्टेज पे रखा गया है देख सकें। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब के ज़रिए से हमारा सैंपल विजुलाइज हो जाता है, फोकस में आ जाता है, देखने हमारे देखने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स। फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स कोर्स एडजस्टमेंट नॉब के बिल्कुल नीचे लगा होता है या स्क्रू। ये क्या करता है कि ये हमारे सैंपल को मज़ीद रिफाइन करता है। हम कंडेंसर लेंस को फाइन एडजस्टमेंट नॉब के ज़रिए से ज़्यादा वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कम द मिरर। मिरर का फंक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि मिरर क्या करता है कि एनवायरनमेंट से लाइट रिसीव करता है और इसे प्रोजेक्ट कर देता है कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर, ये कंडेंसर है, ये डायफ्राम है, अब मिरर क्या करता है कि ये एनवायरनमेंट से लाइट रिसीव करके इसे थ्रो करता है कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर इसे यूनिफाइड बीम में चेंज करके सैंपल की तरफ थ्रो करता है, लेकिन डायफ्राम चेक करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आगे जानी चाहिए और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिजेक्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हम सनलाइट में माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑक्यूलर्स में से हमारी आईसाइट डैमेज होने का शदीद ख़तरा है। लिहाजा कभी भी माइक्रोस्कोप को डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हम कोई लाइट सोर्स आर्टिफिशियल लाइट लैंप यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मिरर से, माइक्रोस्कोप के मिरर से लाइट सोर्स का कम अज़ कम फासला, मिनिमम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ट्वेंटी सेंटीमीटर से कम अगर डिस्टेंस होगा तो वही हमारी आईसाइट डैमेज होने का ख़तरा है। माइक्रोस्कोप का अगला हिस्सा है बेस। ये मेटैलिक स्ट्रक्चर है और मेटैलिक स्ट्रक्चर, इसका काम क्या है कि ये माइक्रोस्कोप के तमाम पार्ट्स को सपोर्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो ईजीली माउंट हो सकें। इसके अलावा बेस की मदद से हम माइक्रोस्कोप को किसी भी लेवल्ड सरफेस पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। ये तो थे माइक्रोस्कोप के वो तमाम पार्ट्स जो हमें माइक्रोस्कोप की वर्किंग के लिए मदद करेंगे। अब देखते हैं कि वो जो माइक्रोस्कोप बी जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे, क्या उसमें भी ये तमाम पार्ट्स पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वो तमाम पार्ट्स इसमें किस सूरत में होंगे। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये ऑक्यूलर है, ये आईपीस है, और इसकी पावर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10x है। इसके बाद बॉडी ट्यूब है। ये पहले वाली माइक्रोस्कोप ए की बॉडी ट्यूब से थोड़ी सी छोटी है। इसके बाद रिवॉल्विंग नोज पीस है। देन कम्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्लियरली तीन तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज के बाद आती है स्टेज, और स्टेज के ऊपर लगे होते हैं स्टेज क्लिप्स। इसके बाद है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का क्या काम था कि ये इसकी बॉडी को अप एंड डाउन मूव करता है ताकि हम अपनी मर्जी का फोकस हासिल कर सकें। और इसके नीचे है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। यहाँ पे इसे स्क्रू भी कह सकते हैं, और इसका काम क्या है कि ये इमेज को, यहाँ पे पड़े इमेज को ज़्यादा
डिफाइन करता है, ज़्यादा फाइन हालत में हमें दिखाता है। ये है डायफ्राम, ये है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या था कि यहाँ से लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को यूनिफाइड बीम की सूरत में ऊपर थ्रो करना। ये लाइट सोर्स है जो कि इनबिल्ट है, यहाँ पे हमें कोई भी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम किसी डार्क प्लेस पे भी इस माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो माइक्रोस्कोप ए थी उसके इस्तेमाल के लिए हमें हमेशा एक एनलाइटेंड प्लेस की ज़रूरत होगी। इस लाइट सोर्स को हम इस स्विच के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है माइक्रोस्कोप की बेस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि माइक्रोस्कोप खा वो किस लाइट माइक्रोस्कोप खा वो किसी भी मॉडल की हो, उसके तमाम पार्ट्स एक जैसे ही रहते हैं। उसकी वर्किंग भी, जब उसके पार्ट्स एक जैसे हैं तो यकीनन उसकी वर्किंग भी सिमिलर होगी। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप काम कैसे करती है। सबसे पहले तो आपको माइक्रोस्कोप पकड़ने का तरीका आना चाहिए। हाउ टू होल्ड माइक्रोस्कोप। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का एक हाथ इसकी बॉडी ट्यूब पे है और दूसरा हाथ बेस के नीचे है। आपने जब भी माइक्रोस्कोप को पकड़ना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपका एक हाथ माइक्रोस्कोप की बेस के बिल्कुल नीचे हो। ऐसा इसलिए है कि जब आप माइक्रोस्कोप को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो इसका मिरर नीचे नहीं गिर पाएगा, डैमेज नहीं हो सकेगा। और दूसरा हाथ आपकी माइक्रोस्कोप की बॉडी पे होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक हैवी इंस्ट्रूमेंट है, रिलेटिवली हैवी इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकें और किसी तरह का डैमेज ना होने पाए। तो याद रखिए कि जब भी माइक्रोस्कोप को पकड़ें उसका एक हाथ उसकी बेस पे होना चाहिए, बेस के नीचे, मिरर के नीचे, और दूसरा हाथ उसकी दूसरे हाथ से उसकी बॉडी ट्यूब को पकड़ना चाहिए। ये सही तरीका है माइक्रोस्कोप को पकड़ने का। माइक्रोस्कोप को पकड़ने के बाद आप फिर उसे एक लेवल प्लेस पर रखेंगे, ऐसी प्लेस जहाँ पे इर्द गिर्द पानी का सोर्स ना हो, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है तो पानी इसमें डिफ्लेक्शंस कॉज कर सकता है या किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, तो अवॉइड करें माइक्रोस्कोप को पानी के पास रखने से। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि जब आप माइक्रोस्कोप को एक प्रॉपर प्लेस पे एडजस्ट कर लें, याद रखें कि वो प्लेस लेवल्ड होनी चाहिए, तो उसके बाद अपनी स्लाइड को जो आपको स्कूल की तरफ से अपने टीचर की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी उसको माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रखिए और उस स्लाइड को, ये जो चूंकि आप देख रहे हैं ये स्लाइड है और ये चीज़ ये आपका सैंपल है जिसे आप देखना चाहेंगे। आप माइक्रोस्कोप की स्लाइड को स्टेज पे एडजस्ट करें और उस स्टेज और स्लाइड को माइक्रोस्कोप के क्लिप्स के थ्रू होल्ड कर लें। यहाँ पे आप क्लिप्स को स्क्रूज की मदद से टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं ताकि स्लाइड अपनी जगह से हिलने ना पाए। जब आप स्लाइड को अपनी जगह पे एडजस्ट कर लें तो लाइट सोर्स को ऑन करें। अगर ये इनबिल्ट लाइट सोर्स है तो इसका स्विच ऑन करें तो लाइट आपके पास आ जाएगी। और अगर ये माइक्रोस्कोप ए है, यानी इसकी जगह इनबिल्ट लाइट सोर्स की जगह बल्ब लगा हुआ, मिरर लगा हुआ है, तो आप मिरर को मूव करें, मिरर मूवेबल होता है, मिरर को मूव करें और जहाँ से मैक्सिमम लाइट आपको फील हो वो उस जगह पर मिरर को सेट कर दें। मिरर की मूवमेंट के दौरान या लाइट सोर्स को एडजस्ट करते हुए आप मुसलसल ऑक्यूलर के थ्रू इसे ऑब्जर्व करेंगे। जहां आपको मैक्सिमम लाइट कैपेसिटी फील हो वहां पे आप मिरर की पोजीशन को सेट कर लें। याद रखें कि लाइट सोर्स की अवेलेबिलिटी के लिए यहां आपके पास डायफ्राम खुला होना चाहिए, डायफ्राम की नोच ओपन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सबसे लोएस्ट कैपेसिटी का लेंस यानी 4x रेजोल्यूशन पार का लेंस चूज़ करें। यहां से इसको स्लाइड के ऊपर माउंट करें, रिवॉल्विंग नोज पीस को रोटेट करें जिसकी मदद से 4x का ऑब्जेक्टिव लेंस स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। ऑक्यूलर की मदद से इसे देखें, ऑब्जर्व करें कि आपको स्लाइड दिखाई दे रही है। अगर आप स्लाइड को क्लियरली देख सकें तो इट्स ओके, और अगर ना देख सकें तो यहाँ से आप कोर्स एडजस्टमेंट नॉब स्क्रू को रोटेट करें जिससे बॉडी ऊपर या नीचे मूव होगी और आपका स्पेसिमेन फोकस में आ जाएगा, आपको आईपीस के थ्रू दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आपका स्पेसिमेन आईपीस के थ्रू आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो देखिए कि उसकी रेजोल्यूशन क्या है, क्या आप उसे वाजे तौर पे देख सकते हैं।
आमतौर पे यूजली कोर्स एडजस्टमेंट के बाद हमें जो स्पेसिमेन दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो कि ब्लर होता है। इस स्पेसिमेन की ब्लरनेस को ख़त्म करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यूज़ करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को आप मूव करेंगे और आप अपना स्पेसिमेन फोकस में ले आएंगे, जो कि कुछ इस तरह का होगा। ये पहले वाले सैंपल से, इस सैंपल से आप देख सकते हैं कि किस हद तक क्लियर है। जब आप अपने लोअर रेजोल्यूशन पावर से अपना सैंपल ऑब्जर्व कर लें तो लेंस की पावर, ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर चेंज करें। 4x से ये पावर 10x पे लेके आएं। बिल्कुल उसी तरह रिवॉल्विंग नोज पीस को रोटेट करने के बाद लेंस को, 10x के लेंस को स्टेज के ऊपर एडजस्ट करें। एक दफ़ा फिर फाइन एडजस्टमेंट नॉब को यूज़ करते हुए अपने स्पेसिमेन को फोकस करें। ये स्पेसिमेन आप देख सकते हैं कि पहले वाले स्पेसिमेन से, 4x के स्पेसिमेन से ज़्यादा क्लैरिटी में है। इसके बाद आप 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करें, बिल्कुल इसी तरह से कि पहले रिवॉल्विंग नोज पीस को रोटेट करें और 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस स्टेज के ऊपर माउंट करें। फिर फाइन एडजस्टमेंट नॉब के ज़रिए से उसको मैग्नीफाई करें। जहां आपको इमेज सबसे ज़्यादा क्लियर हो वहां आईपीएस की मूवमेंट रोक दें या फाइन एडजस्टमेंट की मूवमेंट रोक दें और सैम्पल को ऑब्जर्व करें। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने पढ़ा माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उसकी वर्किंग के बारे में। अब कुछ होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। तो आपका सबसे पहला होमवर्क है कि अपनी CSS की, यानी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज की टेक्स्ट बुक ओपन करें, उसकी टेस्ट एक्सरसाइज 1 में जाएं और देखें कि कौन सा सवाल हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। एक एक करके तमाम MCQ पढ़ें और देखें कि इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उसके वर्किंग से मुतल्लिक है, और उसको सॉल्व करें। देखते हैं कि कौन सा है। नंबर 1 MCQ है कि अली वॉन्ट्स टू होल्ड द माइक्रोस्कोप इन हिज हैंड, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप विल ही होल्ड। यानी कि अली माइक्रोस्कोप को पकड़ना चाह रहा है तो वो माइक्रोस्कोप का कौन सा हिस्सा, किस हिस्से से माइक्रोस्कोप को पकड़ेगा? क्या वो आर्म से माइक्रोस्कोप को पकड़ेगा, क्या वो नोज पीस से पकड़ेगा, क्या वो बेस से पकड़ेगा, या वो उसकी स्टेज से पकड़ेगा? हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोस्कोप को पकड़ने के लिए कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने रेलिवेंट आंसर को टिक कर देंगे या उसके सर्कल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा MCQ है। वाइल ऑब्जर्विंग थ्रू माइक्रोस्कोप द सेल हैज अ ट्रांसपेरेंट लेयर अराउंड इट्स बॉडी। ये आपके आज के टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने सेल्स की टाइप्स नहीं पढ़ी हैं, तो आप इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द, ये भी आपसे रेलिवेंट नहीं है। तो जो MCQ आपने सॉल्व करना है वो MCQ नंबर 1 है। इसके साथ साथ आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अपनी CSS की टेक्स्ट बुक में से देखें कि कौन सा सवाल आपके आज के टॉपिक से रेलिवेंट है, जो कि है डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप अलोंग इट्स वर्किंग। आपने क्या करना है कि माइक्रोस्कोप के तमाम पार्ट्स और इसकी वर्किंग जो आप पढ़ चुके हैं, इसे स्टेप वाइज प्रोसीजर की सूरत में नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ समर पैक्स में से कुछ होमवर्क देखते हैं। आप समर पैक खोलेंगे और अपना रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज़ द लेबल अ डिफरेंट द गिवन डायग्राम ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप के तमाम पार्ट्स पढ़ चुके हैं, अब आपने इस डायग्राम को देखते हुए बताना है कि ये इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से का क्या नाम है, इस हिस्से का क्या नाम है, इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट, बाकी तमाम पार्ट्स को आपने लेबल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।